इटावा में गीतांजलि लाइब्रेरी हुई शुरू। कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें कि आईटीआई रोड स्थित गीतांजलि लाइब्रेरी का उद्घाटन अरुण कुमार गौड़ सिटी मजिस्ट्रेट इटावा के कर कमलों द्वारा फीता काटकर किया गया। सभी छात्र छात्राओं ने मुख्य अतिथि पर पुष्प वर्षा की। मैनेजिंग डायरेक्टर राम कश्यप ने बताया कि हमारी लाइब्रेरी में सभी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी विषयों की बुक्स उपलब्ध हैं एवं गरीब छात्र छात्राओं के लिए हमारे यहाँ विशेष सुविधा दी जा रही है। एक दिन में 3 शिफ्टों में 70 से अधिक छात्र छात्राएं लाइब्रेरी में किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। डायरेक्टर गीतांजलि कश्यप ने बताया कि जो छात्र बाहर रहकर परेशानियों का सामना करके सुविधाएं पाते थे वे अब उनके जिले में दी जा रही हैं। लाइब्रेरी का यही उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिल सके। जो यहाँ पे कंफर्टेबल जो एकदम से माहौल मिलता है बच्चों को, तो उसमें स्टडी काफ़ी अच्छी हो जाती है बच्चों की। और वही है सब अच्छा। सब अपनी अपनी अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स में नीट के हैं, कुछ UPSC के हैं, कुछ PCS के हैं। तो अच्छी स्टडी होती है बच्चों की, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है स्टूडेंट्स को और माहौल अच्छा मिलता है। कितने बैच यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और क्या टाइम बैच है? इसमें शिफ्ट है, शिफ्ट वाइज होता है। इसमें फ़िलहाल तो 3 शिफ्ट हैं। तो अभी कितने बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट्स? अभी 70+। कितने बच्चे यहाँ पे विभिन्न बैकग्राउंड के हैं? कुछ UPSC वाले हैं, कुछ PCS वाले हैं, नीट और IIT JEE के हैं, कुछ जो है अपने जुडिशियल सर्विसेज के हैं, बैंकिंग के हैं। तो सबको यही मोटिवेट किया गया कि अपने एजुकेशन पर फोकस करें, जो इनके सिलेबस हैं सिलेबस के अनुरूप पढ़ाई करें, सफलता 100% मिलेगी। इसको क्या संदेश देंगे, किस प्रकार से पढ़ाई करें जिससे कि आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है किसी भी चीज़ पे प्रेशर में रहने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाएं और एक बार किसी चीज़ को पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन ही एकमात्र साधन है। और कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करें, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल जानकारी भी होनी चाहिए।